साथ थे, एक ड्रामा रचे इन्होंने निर्मल में, कहीं जाके वो होम मिनिस्टर की गाड़ी के बानट पे बाजा बजाए, नहीं आप बच्चों को गिरफ्तार कर रही। फिर जो बच्चे गिरफ्तार थे उनके माँ बाप दारू सलाम को देते इनको हकाल लिए, एंड लास्ट मोमेंट में ये बोले कि किरण कुमार रेड्डी साहब को बोले कि नहीं मुसलमान बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई, रॉन्गली कन्फाइनमेंट बच्चों को हम कंपनसेशन देंगे बोले। आज की तारीख तक एक रुपया नहीं मिला किसी को। खाली यानी अक्सर हमारे असेंबली में एक MLA साहब बोलते कि तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया, तो इनके कान को उन्हें खुश कर रहा और उसके दिल को इन्हों खुश करे। वो टाइम पे किरण कुमार रेड्डी के पीरियड में एक रुपया भी नहीं मिला, जब खामोश रहे बच्चे 18 महीने जेल में थे। MIM लीडरशिप वॉज साइलेंट थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन। MIM लीडरशिप 18 मंथ्स तक कुछ नहीं बोली, 22 महीने के बाद में बच्चे बाइज्जत बरी हुए तो उनको दारुसलाम बुला के माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से ऑटो दिए, वो भी माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे बहुत बदनाम हो गई थी बच्चों पे जुल्म करने के बाद में, तो वो बदनामी का दाग कांग्रेस के कपड़े इन्हों धोए। अब जो है कि बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर है बोल के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थोड़े दिन पहले असेंबली में तायिद करे, तो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर को आप जाके दोनों भाई जाके ये बोलना चाहिए था कि 4 साल में कभी भी एक मरतबा असदुद्दीन या अकबरुद्दीन ओवैसी 4 साल में तकरीबन नहीं बोले, कम से कम एक 10 मरतबा असेंबली का सेशन हुआ और एक 50 मरतबा ये लोग सीएम से मिले, कभी भी जाके मक्का मस्जिद के बम धमाके के बारे में बात नहीं किए, जबकि विटनेस हॉस्टाइल होते जा रही, 100 अबव विटनेस आउट ऑफ 200 विटनेस मोर देन 100 विटनेस हॉस्टाइल हो गए। तो मजलिस की वो खयादत जो हमेशा ये बोलती कि हम हवाओं में बोझ सुनकर कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है, तो ये मजलिस की खयादत की जो हवाओं में बोझ सुनने की है, क्या उनको ये नहीं अंदाजा हुआ कि ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे, केस को सेबरटाइज हो रहा, जाके स्टेट गवर्नमेंट को बोलना, स्टेट गवर्नमेंट से NIA पे प्रेशर कराना कि कैसा हा विटनेसेस हॉस्टाइल होते जा रहे, तो ये लोग बोले नहीं, ये लोग खामोश रहे। तो अब पहले से इनको भी अंदाजा था कि भाई ये फैसला आने वाला है, एंड दे डो नॉट वॉन्ट टू गो स्ट्रांग अगेंस्ट द BJP और RSS। MIM की भी लीडरशिप डजंट वॉन्ट टू गो, मे बी डजंट वॉन्ट टू गो स्ट्रांग अगेंस्ट देम। अब एक स्टेटमेंट दे देते, एक एहतजाजी जलसा कर देते, उसके बाद में खत्म हो जाता मक्का मस्जिद का केस, फिनिश बोल देते खत्म। राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ये जो NIA जो इन्वेस्टिगेशन की, नाउ द CBI हैज NIA CBI हैज लॉस्ट देयर क्रेडेंशियल्स एंड वी डिमांड टू फॉर्म ए न्यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी with a very upcoming bright officers like Karkare, and this all investigation including Makkah Masjid, Malegaon, 1 and 2, Ajmer, Samjhota, ye pure investigations ka ek special court form hona chahiye. One special court day to day hearing with time bound program with a new agency, kyunki almost you can see ke purane jo principal secretary the unko BJP join kar liye, NIA ki jo investigation officers the महाराष्ट्र में ATS के जो चीफ थे उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो थे उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिए। आज एक मीडिया में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं RBS मनी के एक्स हमारे अंडर होम सेक्रेटरी जो थे उन्होंने ये बोल रहे हैं कि उस वक्त मुझे यकीन था कि गलत लोगों को गिरफ्तार करे, तो इतने दिन 11 साल आप क्यों खामोश बैठे थे कि आपके दौर में इनको गिरफ्तार किए, और आज आप TV चैनल पे आके बोल रहे थे कांग्रेस के प्रेशर में हम गिरफ्तार किए। कांग्रेस के प्रेशर में और क्या क्या गलत काम किए आप ये बताइए आप। तो ये जितने भी इन्वेस्टिगेट, सबसे बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हिंदुस्तान में जो भी IPS ऑफिसर रिटायर हो रहा 24 घंटे इंतजार नहीं कर रहा, उन्हें सीधा BJP ज्वाइन कर रहा, नहीं तो RSS के प्लेटफॉर्म पे दिख रहा उन्हें, तो अब उसके रहते हुए जो भी कारनामे किए जा रहे हैं उसके ऊपर हमारे को शक आ रहा कि भाई ये क्या 80% 90% IPS ऑफिसर जो भी बड़े बड़े पोस्टों पे है, Why they are only joining RSS and BJP, you tell me? Why they are not joining other political parties? हर किसी को शौक है कि पॉलिटिक्स में आने का रिटायरमेंट के बाद में, बट वाई ओनली BJP दे आर चूजिंग। तो ये कई चीजें हैं कि हमारा मुतालिबा है कि वी विल बी पुटिंग प्रेशर ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वी विल बी पुटिंग प्रेशर ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट। इफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट अप्रोच दी हाई कोर्ट, डेफिनेटली MBT
will approach the High Court against the statement of, against the judgment of today's lower NIA Special Court in Mecca Masjid, Las Vegas. Okay.